भगवा परिवार मध्य भारत के नेतृत्व में नालछा के जीरापुरा प्राचीन माता मंदिर से धार स्थित प्राचीन शिवालय भगवान धारनाथ धारेश्वर महादेव मंदिर तक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवा अपने कंधे पर कांवड़ लिए भूत भावन भगवान शंकर को जल चढ़ाने सावन के पहले सोमवार को धार पहुंचे। देर रात शहर के एक निजी गार्डन में भजन संध्या और रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह भगवा परिवार के कांवड़ यात्री धारनाथ धारेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। खास बात यह थी कि भगवा परिवार के कांवड़ यात्री कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 15-15 युवकों की टोलियों में अलग अलग समय पर मंदिर परिसर पहुंचे और जल चढ़ाया। भगवा परिवार प्रमुख देवकरण जाट ने बताया कि परंपरा अनुसार कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा सम्पन्न हुई। भगवा परिवार की कांवड़ यात्रा मांडो रोड पर जीरापुरा माता जी का धाम है, वहाँ से निकलकर रात्रि विश्राम हमारा मातेश्वरी गार्डन पर रहा। वहाँ पर भोजन प्रसादी हुई और श्रावण के प्रथम सोमवार को 11 बजे वहाँ से हमने प्रस्थान किया और लगभग हमारे कार्यकर्ता अभी धारेश्वर धारना बाबा के यहाँ जल चढ़ाने पहुँच चुके। वर्तमान में जो कोरोना जो महामारी चल रही है उसको देखते हुए, मध्य प्रदेश की गाइडलाइन को देखते हुए, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी गई थी उसको देखते हुए, हमने 15-15 लोगों की टोलियों में सभी को मास्क वितरित किए, सभी ने मास्क पहने, 15-15 की टोलियों में हमने हमारी कांवड़ यात्रा महादेव तक पहुँचा। धार से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।